को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल कमांड, दिस इज कॉल्ड डिस्क रेजिडेंट कमांड। दीज कमांड आर मीन फॉर स्पेशल पर्पज, दीज आर फाउंड इन सेपरेट फाइल्स और हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, सो दे डोंट टिपिकली कंज्यूम वैल्यूएबल मेमोरी स्पेस। वो ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि ये अलग अलग फाइलों में भी आ सकती है। क्लियर हो गया? अभी आप समझोगे, कुछ ही मैंने एक्सटर्नल कमांड का एक्सप्लेनेशन किया है, बिकॉज जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो एक्स कॉपी। दिस कमांड इज फास्टर देन कॉपी कमांड एंड अलाउज यू टू कॉपी एंटायर डायरेक्टरी। देखो वो फाइल्स कॉपी करके एक डायरेक्टरी, हम एक पूरी डायरेक्टरी को कहीं उठा के ले जा रहे हैं जिसमें फाइल इंक्लूडेड है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? डिस्क इंक्लूडेड ऑल सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स टू द डेस्टिनेशन। वही एक्स कॉपी, सोर्स फाइल का नाम विथ उसका पाथ, और जहां टारगेट करना उसका भी नाम और उसका पाथ, ये चीज हो जाएगी। फिर आ जाता मूव कमांड। मूव में क्या होगा, कॉपी में तो क्या होगा, एक कॉपी वहीं रह जाएगी और वो एक वहां बन जाएगी, लेकिन मूव कमांड में पूरी की पूरी एक जो आपकी डायरेक्टरी के अंदर थी, मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा अभी, ठीक है ना, वो पूरी की पूरी एक अनदर डायरेक्टरी में मूव हो जाएगी, जिसमें आपको ये एग्जांपल दे रखा है। फिर फाइंड, अगर आपको कोई फाइल फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, उस कोई भी फाइल का नाम है, मान लो भरत नाम की फाइल है, तो आप क्या करोगे, बी एच ए आर यहां करके लिख सकते हो, या पूरा फाइल का नाम लिख सकते हो और सेमी कॉलन जो है दे रखे, इनके बीच में फाइल का नाम आएगा और आप उसको सर्च कर सकते हो। क्लियर हो गया?